हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज स्टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप के पहले मैच में स्टोक्स बने सुपरमैन, हवा में उछलते हुए हाथ से लपका कैच। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज स्टॉक। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 12वें संस्करण का आगाज हो चुका है। गुरुवार को यानी 30 मई को केनिंगटन ओवल में खेले गए मुकाबले में मेज़बान इंग्लैंड की तरफ से एक तरफा मैच में दक्षिण अफ्रीका को 104 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। मैच में इंग्लैंड ने हर तरफ दमदार प्रदर्शन दिखाया और दक्षिण अफ्रीका को मात देकर जीत कर दिया है। इस मैच में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स द्वारा लिया गया हवा में उड़ता कैच चर्चा का विषय बन चुका है। आदिल रशीद की 35वें ओवर की पहली गेंद पर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एडिल ने डीप मिड विकेट की तरफ काफ़ी ऊंचा शॉट खेला, लेकिन बेन स्टोक्स ने हवा में उछलते हुए उस कैच को लपक लिया और ये कैच जो है वो वायरल हो रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद स्टोक्स ने अपने हैरान कर देने वाले कैच से सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 311 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 39.5 ओवर में 207 रन पर ही ढेर हो गई। तो कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ।